कलनन्या पांडे एनसीबी ऑफिस में पहुंची हुई थी, जहां एनसीबी के कई बड़े अधिकारियों ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स को लेकर उनसे लंबी पूछताछ की। एक महिला ऑफिसर और दो मेल ऑफिसर, जिसमें से एक समीर वानखेड़े ने अनन्या से लंबी पूछताछ की। कई गंभीर सवाल अनन्या से किए गए। पहले तो अनन्या से उनके नाम और काम के बारे में पूछा गया, दूसरा ये कि क्या वो आर्यन को जानती हैं और जानती हैं तो कैसे, तीसरा ये कि आपने लास्ट टाइम आर्यन से कब बातचीत की थी और उस दौरान क्या हुआ था, चौथा ये कि आप अपने और आर्यन खान के ड्रग्स चैट्स के बारे में क्या कहेंगी, पांचवा ये कि क्या आप जानती हैं कि चरस गांजा हमारे देश में बैन है, छठा ये कि क्या आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं, सातवां ये कि क्या आपने कभी आर्यन खान से ड्रग्स को लेके बातचीत की है, आठवां ये कि क्या आपने कभी खुद के लिए ड्रग्स खरीदा है, नौवां ये कि क्या आपने कभी आर्यन को ड्रग्स लेते या खरीदते हुए देखा है, दसवां ये कि क्या आपने बॉलीवुड की पार्टीज़ में किसी भी स्टार को ड्रग्स लेते हुए देखा है, ग्यारहवां ये कि क्या आप किसी ऐसे को जानती हैं जो ड्रग्स प्रोवाइड कराता है। इन सवालों के दौरान अनन्या काफ़ी सहमी और डरी हुई दिखाई पड़ रही थी।